मुजाहिदीन जो खड़े हैं सबके लिए एक वादा कर दो कि फला फिल्ला की तह में बका का राज मुझ में है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। फखर अमीर मुकाम साहब आपके हाथों के दौरान एक बात कहता चलूं, इसी तरह उगी में मैं इस देश से भी था, नवाज शरीफ ने कहा था कि इस तरह के सरदार यूसुफ दे दो पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा, आपकी तरह हाथ डाला था, हाथ मेरे कायद के हाथ में आपने हाथ डाला हुआ है, आप हम सब के कायद हैं। फखर ये जरदोल खान का हाथ, शहजादा किश्ता साहब का हाथ, किसी सूरत अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हम इंशाल्लाह आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। किसी संग दिल के दर पर मेरा सर न झुक सकेगा, मेरा सर नहीं रहेगा, मुझे उसका डर नहीं। जनाब अमीर मुकाम साहब, हमारे बारे में मुख्तलिफ किस्म के शकूक शुबात थे, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट की ऑफर की गई, हमें नून लीग की टिकट की ऑफर की गई, JUI के टिकट की ऑफर की गई, लेकिन हमने कहा कि हम अपने ग्रुप के मशवरे से, सरदार मोहम्मद यूसुफ के मशवरे से फैसला करेंगे, और उन्होंने फैसला किया कि हमारा वही टिकट होगा, वही सेक्टर होगी जो माजी में थी। थोड़ी सी गपशप पुणे में कैप्टन सफदर का जलसा था, ऐलानात किए फलानी चीज मंजूर, फलानी मंजूर, फलानी मंजूर, तो उसके करीब स्टेज पर एक लड़का आया, उसने कहा कि यार इसके आने से तो बड़ी तब्दीली आ गई, ये अरबों रुपए का फंड ये ले आया, तो उसने कहा अगर मुझे टाइम दे तो मैं स्टेज पर कोई बातें कह दूं, तो स्टेज पर आ गया। जब वो आदमी स्पीकर के सामने हुआ तो उसने कहा मैं एक्सप्रेसवे की मंजूरी का ऐलान करता हूँ, मैं मानसेरा में एयरपोर्ट का ऐलान करता हूँ, मैं फलाना ऐलान करता हूँ। वो कैप्टन सफदर परेशान हो गया, उसके स्पोर्टर ने कहा यार आप किस तरीके से ऐलान करेंगे, अब मैं किस जगह से करूंगा तो ये किधर से कर रहा है। सलाउद्दीन के हाथ उठाकर कहा था कि मैं स्वी गैस की मंजूरी का ऐलान करता हूँ, 12 साल गुजर गए स्वी गैस नहीं आई, दरबन में ऐलान किया नवाज शरीफ में कि दरबन खूबसूरत जगह है जहाँ पर मैं घर लूंगा और हर महीने आऊंगा, 12 साल हो गए फिर नवाज शरीफ नहीं आया। अब उसका दामाद के तो अपने दामाद के अपन सफदर को टिकट दे दिया, और जब मानसेरा से सीट खाली हुई तो दामाद के भाई तायर अली को टिकट दे दिया, तो आया ये उसकी घर की जुमात है या नहीं, नवाबजादे का निशान था और आज क्या है, लेके गए देखो राज क्या है उसके पास। तो इस बारे में सिर्फ मैं ये कहूंगा कि हम वही हैं जो कभी थे, सो वही हो के रहे, तुम बदलते रहे हो गर्दिश आयाम के साथ।